पाकिस्तान में घुसा सीएम योगी का बुलडोजर। बाबा के टारगेट में पाकिस्तान का पूर्व आर्मी चीफ। 57 मुस्लिम देश भी अब नहीं बचा पाएंगे। उधर भारतीय सेना ने समुद्र में उतार दी परमाणु पनडुब्बी। इधर योगी आदित्यनाथ ने भी दिया बड़ा आदेश, पाकिस्तान में मच गया हड़कंप। जिसने अटल बिहारी को दिया था धोखा, हिंदुस्तान से की थी गद्दारी, 25 साल बाद सीएम योगी ने लिया उस पाकिस्तानी राष्ट्रपति से बदला। भारत का ऐलान सुनकर दुश्मन देशों में सुनामी आ गई है, क्योंकि भारत ने ऐसा तूफान समंदर में ला दिया है। हिंदुस्तान की इस नई परमाणु पनडुब्बी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि परमाणु मिसाइलें लेकर जब दुश्मन को टारगेट में लेती है, दुश्मन देश को खबर भी नहीं लगती। पानी के अंदर ये ना तो ज्यादा हलचल करती है और ना ही इसकी आवाज आती है। यही वजह कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी खौफ में आ गया है। भारत ने अपनी दूसरी परमाणु सबमरीन समुद्र में उतार दी है। INS अरिघात पर K-15 रेंज की 24 मिसाइलें लोड कर दी गई हैं। ये मिसाइलें 700 किलोमीटर दूर से टारगेट को खत्म करने की क्षमता रखती हैं। ये खबर जैसे ही पाकिस्तान तक पहुंची खलबली मच गई है। इधर योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ पर बुलडोजर चला दिया है। मतलब भयंकर मुसीबत में पाकिस्तान फंस गया है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान योगी के ऐलान की वजह से गुस्से में है, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की जमीन को भी योगी ने नीलाम करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन पहले इस खतरनाक पनडुब्बी के बारे में जान लीजिए। अगर कभी पाकिस्तान से परमाणु युद्ध होता है तो पाकिस्तान सबसे पहले भारत के परमाणु केंद्रों को खत्म करने का प्लान तैयार करेगा और भारत की जल थल और वायु सेना पर हमला करने की कोशिश करेगा। लेकिन भारत की इस परमाणु पनडुब्बी को नहीं खोज पाएगा। ऐसा हो सकता है कि जब पाकिस्तान भारत की तरफ अपनी परमाणु मिसाइलें मोड़े, उस वक्त भारत की परमाणु मिसाइल कराची में पहले से खड़ी हो और एक बटन से पाकिस्तान नक्शे से मिट जाए। INS अरिघात अगर साउथ चाइना सी में पहुंच जाए तो चीन को इसकी भनक नहीं लगेगी। बंगाल की खाड़ी में यहां पहुंचकर बांग्लादेश को टारगेट कर सकती है और बांग्लादेश भी कोई जानकारी इसकी नहीं ले पाएगा। इसी तरह से जब इस सबमरीन पाकिस्तान के कराची के पास यहां पर खड़ी हो जाएगी तो पाकिस्तान भी नहीं जान पाएगा और कुछ मिनट में ही पाकिस्तान खत्म हो सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि इस सबमरीन कितना ज्यादा खतरनाक है। दुश्मन की नाक के नीचे परमाणु बम लेकर खड़ी हो जाएगी लेकिन दुश्मन को पता नहीं लगेगा। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि पनडुब्बी अरिघात न्यूक्लियर पावर्ड भी है और न्यूक्लियर कैपेबल भी है। इसका मतलब यह है कि परमाणु हमला भी कर सकती है और इसके साथ ही न्यूक्लियर ईंधन से कई हफ्तों तक समुद्र के अंदर जिंदा रह सकती है। मतलब युद्ध के दौरान बार बार इसे समुद्र के ऊपर ईंधन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से दुश्मन का रडार भी इसे नहीं खोज पाएगा। इधर पाकिस्तान को जैसी खबर मिली कि योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख पर बुलडोजर चलाने जा रहे हैं, कट्टरपंथी भी बौखला गए। योगी आदित्यनाथ जिस पाकिस्तानी जनरल पर कार्रवाई करने जा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह और राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ हैं। परवेज मुशर्रफ का निधन हो चुका है। परवेज मुशर्रफ के रहते भारत के अंदर कई आतंकी साजिशें रची गई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के एक फैसले से पाकिस्तान बौखला गया है। योगी क्या करने वाले हैं, अब चलिए आपको विस्तार से बताते हैं, क्योंकि इस खबर के बारे में जानकर आप भी योगी की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि जो काम योगी आज कर रहे हैं वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष और राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की करीब 13 बीघा जमीन यूपी के बागपत में मौजूद है। इसके बारे में जैसे योगी को पता चला एक्शन शुरू हो गया। बागपत के कोताना गांव में 13 बीघा जमीन को नीलाम करने के लिए प्रशासन ने ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 5 सितंबर तक संपत्ति को नीलाम कर उसको खरीदने वाले मालिक के नाम दर्ज किया जाएगा। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके मुताबिक दुश्मन की संपत्ति पर भारत सरकार का अधिकार हो जाता है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ का परिवार बागपत के कोताना गांव में रहता था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के समय उनका परिवार पाकिस्तान चला गया, लेकिन परिवार की जमीन और हवेली यहीं पर रह गई। ये संपत्ति अब शत्रु संपत्ति में दर्ज हो गई। अब योगी सरकार ने इस संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। 5 सितंबर तक इसके नीलामी की प्रक्रिया फाइनल कर दी जाएगी। अभी तक पिछली सरकारों ने यह हिम्मत नहीं दिखाई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का प्लान तैयार कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वही परवेज मुशर्रफ है जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए पाकिस्तान में तख्ता पलट किया था और भारत को धोखा देकर कारगिल युद्ध शुरू किया था। इसके बाद भारत की सेना ने पाकिस्तान को घुसकर लाहौर और कराची तक खदेड़ा था।
अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक मुशर्रफ के पुर्जों वाली हवेली पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है, लेकिन इस खबर का असर सबसे ज्यादा पाकिस्तान में देखा जा रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती भी हो रही है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख और राष्ट्रपति की संपत्ति पर बाबा का एक्शन शुरू हो गया है। इस खबर को सुनकर हर सच्चा हिंदुस्तानी योगी की तारीफ कर रहा है, लेकिन इस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं।